आज हम आप लोग को डाइकॉट प्लांट में कैसे इम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है उसके बारे में बताते हैं। ठीक है, डाइकॉट प्लांट में जो इम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है वो कैप्सुला टाइप होता है। कैसा होता है? कैप्सुला टाइप। एक कुर्सीफेरी फैमिली का प्लांट है कैप्सुला, उसका पूरा नाम कैप्सुला वर्सा पेक्टोरिस। ठीक है, तो उसमें मोस्ट कॉमन प्लांट है जिसमें हम स्टडी करते हैं डाइकॉट प्लांट में इम्ब्रियो के डेवलपमेंट का। ठीक, कॉमन प्लांट हो गया कैप्सुला। अब इम्ब्रियो का डेवलपमेंट अगर हम देखें तो सबसे पहले क्या होता है, जायगोट जो डिप्लॉयड होता है उसमें पहला जो डिवीजन होगा इम्ब्रियो के डेवलपमेंट में, पहला जो डिवीजन होता है वो कैसा होता है, ट्रांसवर्स डिवीजन। कुछ कंपटीशन में पूछा जा चुका है कि डाइकॉट प्लांट में जब इम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है तो पहला फर्स्ट डिवीजन कैसा होगा, फर्स्ट डिवीजन कैसा होगा, ट्रांसवर्स डिवीजन। ट्रांसवर्स डिवीजन के फलस्वरूप दो सेल बनेंगी, ऊपर वाली सेल को कहेंगे टर्मिनल सेल, या ये सेल टर्मिनल सेल, और नीचे वाली सेल को क्या कहेंगे, बेसल सेल। टर्मिनल सेल जो होती है वो आगे चलकर इम्ब्रियो का निर्माण करेगी, इसलिए इसको इम्ब्रियोनल सेल भी कहते हैं, और बेसल सेल आगे चलकर सस्पेंसर का निर्माण करती है, इसलिए क्या कहते हैं, सस्पेंसर सेल। टर्मिनल सेल जो होती है वो जनरली चलाजल साइड में होती है, और बेसल सेल जो होती है, सस्पेंसर सेल जो होगी वो कहाँ होगी, माइक्रोपाइल साइड में। देखिए सस्पेंसर है, ये सस्पेंसर है, ये किधर जा रहा है, माइक्रोपाइल की तरफ, और ये चलाजल की तरफ क्या होगा, इम्ब्रियोनल या टर्मिनल सेल। ठीक है, तो इस तरह हम देखते हैं कि पहला डिवीजन क्या हुआ, ट्रांसवर्स हुआ, और दो तरह की सेल बनी, टर्मिनल सेल या इम्ब्रियोनल सेल, और दूसरा बेसल सेल या सस्पेंसर सेल। अब उसके बाद क्या होगा, जो इम्ब्रियोनल सेल या टर्मिनल सेल है उसमें एक वर्टिकल डिवीजन होगा, और बेसल सेल में क्या होगा, ट्रांसवर्स डिवीजन होगा। जब इसमें वर्टिकल डिवीजन हो जाएगा, ये दो सेल बढ़ गई, और नीचे वाले में भी दो सेल हो गई। इस प्रकार हम ये स्ट्रक्चर देखते हैं, अब कैसा हो गया, टी शेप। ठीक है, तो ये स्टेज जो इम्ब्रियो की होती है वो क्या कहलाती है, टी शेप्ड इम्ब्रियो। अब टी शेप्ड इम्ब्रियो बनने के बाद इसमें जो ऊपर वाली इम्ब्रियोनल सेल है, ऊपर वाली दो इम्ब्रियोनल सेल होती है, उसमें क्या होगा, ट्रांसवर्स डिवीजन, एक ट्रांसवर्स डिवीजन होगा। ट्रांसवर्स डिवीजन के फलस्वरूप इम्ब्रियोनल सेल जो हो कितनी हो गई, चार, और ये बेसल सेल जो होती है उसमें छह से आठ ट्रांसवर्स डिवीजन होता है। छह से आठ जब ट्रांसवर्स डिवीजन होगा तो एक कंटिन्यू रो ऑफ सेल बन जाती है, जिसे कहते हैं क्या, सस्पेंसर सेल। इनकी संख्या आठ से दस होती है। ठीक है, इम्ब्रियोनल सेल के नीचे क्या होगा, जब छह से आठ ट्रांसवर्स डिवीजन होगा बेसल सेल में, तो क्या बनाएंगी, सस्पेंसर सेल। ठीक है, बेसल सेल से क्या बन जाएगा, सस्पेंसर सेल। आठ से दस सेल बनती है सस्पेंसर सेल। सस्पेंसर सेल में जो लोअर मोस्ट सेल होती है वो थोड़ा स्वेल कर जाती है और व्यवहार करने लगती है किस रूप में, हास्टोरिया के रूप में। हास्टोरिया क्या करता है, ये भोजन को सक करता है और इसी सस्पेंसर सेल की सहायता से इम्ब्रियोनल सेल को पहुंचाता है। सस्पेंसर सेल जो इम्ब्रियोनल सेल के करीब होती है, इम्ब्रियोनल सेल के पास जो सेल होती है सस्पेंसर की, उसे कहते हैं हाइपोफाइसिस, और हाइपोफाइसिस आगे चलकर रूट कैप का निर्माण करती है। अब ये जो स्टेज है फोर सेल इम्ब्रियो, इसे हम कहते हैं टेट्राड स्टेज। टेट्राड स्टेज इम्ब्रियो बाद में बदलता है किसमें, आर्कटेंट स्टेज। ठीक है, आर्कटेंट स्टेज में क्या होगा, चार सेल जो इम्ब्रियोनल थी, एक वर्टिकल डिवीजन और होगा और ये बदल जाएगी आठ सेल इम्ब्रियो में। ठीक है, इस आठ सेल इम्ब्रियोनल सेल को हम क्या कहेंगे, आर्कटेंट स्टेज। उसमें ऊपर वाली जो चार सेल होती है उसे कहते हैं इपी बेसल सेल। ऊपर वाली चार सेल को क्या कहेंगे, इपी बेसल सेल, और नीचे वाली चार सेल एक दो तीन चार जो होती है उन्हें क्या कहेंगे, हाइपो बेसल सेल। इपी बेसल सेल जो होंगी वो आगे चलकर भविष्य में क्या बनाएंगी, कार्टिलिडन, प्लिम्यून और इपी कार्टिल। नीचे वाली चार सेल होंगी जिसे हाइपो बेसल सेल कहते हैं, वो क्या बनाएंगी, हाइपो कार्टिल और रेडिकल। ठीक है, इतना समझ में आ रहा, ऊपर वाली चार इम्ब्रियोनल सेल क्या बनाएंगी, इपी, इसे इपी बेसल कहेंगे, कार्टिलिडन, प्लिम्यून और इपी कार्टिल। नीचे वाली चार सेल जो होती है उसे हाइपो बेसल सेल कहते हैं, वो आगे चलकर हाइपो कार्टिल और रेडिकल बनाती है। ठीक है, इस स्टेज को कहेंगे आर्कटेंट स्टेज। अब आर्कटेंट स्टेज इम्ब्रियो में क्या होता है, लगातार पेरिकिलर डिवीजन होगा। ठीक है, या माइटोटिक डिवीजन होगा, उसके फलस्वरूप ये बन जाता है 16 सेल्ड इम्ब्रियो। 16 सेल्ड इम्ब्रियो को हम कहते हैं ग्लोबुलर स्टेज। ठीक है, कभी कभी ये देखा गया है कंपटीशन में पूछा आता है किस स्टेज इम्ब्रियो के बाद कौन सा स्टेज आता है, जैसे टी शेप्ड इम्ब्रियो, ये आ गया टेट्राड स्टेज इम्ब्रियो, आर्कटेंट स्टेज इम्ब्रियो, और ये आ गया ग्लोबुलर स्टेज इम्ब्रियो। ठीक है, ग्लोबुलर स्टेज के बाद क्या होगा, जो इम्ब्रियोनल सेल है वो मेरिस्टेमेटिक होती है और डिवाइड करके
किस शेप का बनाती है, कन्वर्ट होती है ग्लोबुलर स्टेज, किस पे कन्वर्ट होगा हार्ट स्टेज पे। हार्ट स्टेज का जो एम्ब्रियो होता है उसकी सेल्स मेरिस्टमेटिक होती है और वो बार बार डिवाइड करती है, डिवाइड करके तीन लेयर बनाती है। सबसे बाहर वाली लेयर टर्मेटोजन, अंदर वाली लेयर पेरिपलम और इनर मोस्ट प्लीरो। टर्मेटोजन आप जानते हैं क्या बनाएगा, एपिडर्मिस, पेरिबलम क्या बनाएगा कार्टेक्स, और प्लीरोम आगे चलकर ये वेस्कुलर टिश्यू जाइलम और फ्लोएम बनाएगा, ठीक है। उसके बाद ये सस्पेंसर सेल हो गई, हाइपोफाइसिस रूट कैप बनाएगा, ये हाइस्टोरिया हुआ जो भोजन को सक करेगा। और इस तरह हम देखते हैं इसमें दो कार्टिलेडन बन गए, ये स्टेज क्या कहलाएगा हार्ट, हार्ट शेप स्टेज, ठीक है ना। और ये है प्रीम्यूल वाला पार्ट। आगे चलकर हार्ट शेप स्टेज जो एम्ब्रियो है वो कन्वर्ट होता है किसमें, मेच्योर एम्ब्रियो में। किसमें कन्वर्ट होगा, मेच्योर एम्ब्रियो। मेच्योर एम्ब्रियो को टॉर्पिडो स्टेज भी कहते हैं। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑक्टेट स्टेज के बाद कौन सा क्रम आया, ग्लोबुलर स्टेज, ग्लोबुलर स्टेज के बाद हार्ट शेप स्टेज, और हार्ट शेप स्टेज के बाद टॉर्पिडो स्टेज, ठीक है। टॉर्पिडो स्टेज में हम देखते हैं दो कार्टिलेडन बन गया, ये प्लीम्यूल है, ठीक है, ये हाफियोकार्टिल है, ये इंट्यूबमेंट, ओव्यूल का क्या है इंट्यूबमेंट है। इंट्यूबमेंट आगे चलकर सीड कोट बदलेगा, और सीड कोट आप जानते हैं आउटर जो होता है टेस्टा होता है, इनर मोस्ट टेगमेंट होता है, ठीक है। इस तरह एक ये दो कार्टिलेडन हो गए, इस तरह एक मेच्योर एम्ब्रियो का फॉर्मेशन हो गया। अब यहां बात आती है कि बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि हाइपोकार्टिल क्या है, एपिकार्टिल क्या है, ठीक है। तो इसको जरा देख लेते हैं क्या चीज होता है ये। ये हो गया एम्ब्रियोनल एक्सिस और ये हो गया क्या कार्टिलेडन, ये दोनों हो गए कार्टिलेडन और ये हो गया क्या एम्ब्रियोनल एक्सिस। कार्टिलेडन की ऊपर वाली जो एम्ब्रियोनल एक्सिस होती है वो क्या कहलाती है एपिकार्टिल, और यही आगे चलकर किस चीज का निर्माण करेगी प्लीम्यूल का। प्लीम्यूल मतलब हो गया सूट, और कार्टिलेडन के नीचे जो एक्सिस होती है वो कहलाती है हाइपोकार्टिल, और यही आगे चलकर इसका निर्माण करेगी रेडिकल का। रेडिकल मतलब क्या हो गया रूट का। तो इस तरह हम यहां जो कंफ्यूजन हो रहा था कि एपिकार्टिल क्या है हाइपोकार्टिल क्या है उसको हम इससे समझ लेते हैं कि एपिकार्टिल और हाइपोकार्टिल क्या हुआ। तो इस तरह हम देख रहे हैं कि इम्ब्रियो का डेवलपमेंट कैसे डाइकॉट प्लांट में हो रहा है। जनरली देखा जाता है इम्ब्रियो का जो डेवलपमेंट होता है वो दो प्रकार का होता है, ठीक है, एक एंडोस्कोपिक टाइप, दूसरा मीरोब्लास्टिक टाइप। दो टाइप इम्ब्रियो डेवलपमेंट होता है, एक है एंडोस्कोपिक टाइप और दूसरा है मीरोब्लास्टिक टाइप। एंडोस्कोपिक टाइप डेवलपमेंट क्या होता है, एंडोस्कोपिक टाइप डेवलपमेंट में जाइगोट की सभी सेल्स आगे चलकर इम्ब्रियो का निर्माण करती है, ठीक है। एंडोस्कोपिक टाइप जो डेवलपमेंट होगा उसमें क्या होगा, जाइगोट की जितनी भी सेल्स इनर मोस्ट होती हैं वो सब किसमें भाग लेंगी इम्ब्रियो के डेवलपमेंट पे। लेकिन मीरोब्लास्टिक टाइप जो डेवलपमेंट होता है उसमें जाइगोट की कुछ सेल्स ही भाग लेती है इम्ब्रियो के डेवलपमेंट में। तो इस तरह हम डाइकॉट प्लांट में इम्ब्रियो के डेवलपमेंट को देखें। अब नेक्स्ट जो वीडियो होगा वो मोनोकॉट इम्ब्रियो पे होगा कि उसका डेवलपमेंट कैसे आया, कैसे होता है, ठीक है। अगर ये आपको वीडियो अच्छा लगता है तो ज्यादा से ज्यादा अपने मित्रों से शेयर करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।